बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसके पहले भाग में हमने जाना था एवलिन ग्लेन के बारे में। आज के भाग में हम करने वाले हैं उसी की क्वेश्चन एंड आंसर्स की शुरुआत। चलो करते हैं एवलिन ग्लेन वाले भाग के क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। पहला सवाल, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन When she went to the Royal Academy of Music? तो बच्चों, आपको ये बताना है कि एवलिन की क्या उम्र थी जब वो Royal Academy of Music गई थी। क्या उम्र थी बच्चों उनकी? उनकी उम्र थी 17 साल। अब इस सवाल का जवाब हमें किस तरीके से देना है ये भी तो हमें जानना होगा ना। तो चलो देखते हैं इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे। एवलिन थी 17 years old, 17 साल की, when she went to the Royal Academy, जब वो गई Royal Academy of Music in London, Royal Academy of Music in London जब वो गई थी तब वो 17 साल की थी। दूसरा सवाल, when was her deafness first noticed and when was it confirmed? तो आपको ये बताना है कि उनकी जो डेफनेस थी यानी कि जो ना सुनने की शक्ति थी वो कब पहली बार पता चली थी और कब उसको कंफर्म कर दिया गया था, कब उसकी पुष्टि हो गई थी। तो बच्चों, 8 साल की उम्र में एवलिन ग्लेन की डेफनेस के बारे में पता चला था और 11 साल की उम्र में उसकी पुष्टि हो गई थी। कैसे लिखेंगे इसे? हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड, पहली बार उनकी डेफनेस को ऊपर ध्यान दिया गया था व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड, जब वो 8 साल की थी। एंड इट वाज कंफर्म्ड, और उसकी पुष्टि की गई थी व्हेन शी वाज 11, जब वो 11 साल की थी। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30-40 वर्ड्स ईच। अब जो आपके सामने सवाल आएंगे उनको आपको थोड़े से 30 शब्दों के अंदर उसके उत्तर देने होंगे, छोटा सा पैराग्राफ बनाकर। पहला सवाल क्या है? Who helped her to continue with music? What did he do and say? तो किसने की थी बच्चों मदद? रॉन फॉर्ब्स ने की थी। और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था एवलिन ग्लेन को कि संगीत को सुनने की कोई और तरीके खोजो, किसी और तरीके से संगीत को महसूस करने की कोशिश करो, और एवलिन ग्लेन ने ऐसा ही किया था। तो यही है आपका सवाल कि किसने मदद की थी कि वो जारी रख सकें संगीत सीखना। कौन संगीत सीखना? एवलिन ग्लेन संगीत सीखना जारी रख सकें इसकी मदद किसने की थी? व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया था और एंड से और कहा था। तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? देखिए, परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने उनकी मदद की थी टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, ताकि एवलिन अपना जो म्यूजिक है वो आगे संगीत सीख पाए। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने क्या किया? दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उनको अलग अलग धुनों पे वो बजाने लगे। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन टू देम, और उन्होंने एवलिन को बोला कि इनको सुनो मत। थ्रू द ईयर्स, कान के द्वारा सुनने की कोशिश मत करो, बट ट्राई एंड सेंस द साउंड इन सम अदर मैनर, लेकिन कोशिश करो और महसूस करने की कोशिश करो साउंड को किसी और तरीके से। दूसरा सवाल, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्मेंस। तो एवलिन कहाँ कहाँ पे परफॉर्मेंस करती थी बच्चों? वो कॉन्सर्ट्स के अंदर करती थी, वो प्रिजन्स में करती थी, हॉस्पिटल में भी करती थी, और ख़ास कर वो करती थी म्यूज़िक सिखाती थी छोटे बच्चों को, जो जवान बच्चे थे जो सीखना चाहते थे संगीत, वो उनको भी सिखाया करती थी। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? एवलिन विद अ हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, एवलिन का जो इंटरनेशनल स्केड्यूल था वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी एवलिन। गिव्स सोलो परफॉर्मेंसेस, वो अकेले प्रदर्शन करती थी एट रेगुलर कॉन्सर्ट्स, रेगुलर कॉन्सर्ट्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस यानी कि इसके अलावा, शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन, और वो कॉन्सर्ट करती थी फ्री में, मुफ्त में, कहाँ पर? प्रिजन्स में एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में।
She also accord high priority to classes for young musicians. और वो बहुत ज़्यादा priority देती थी classes लेने में young musicians के लिए. Answer the questions in two or three paragraphs, 100 to 150 words. So बच्चों आप समझ ही गए हैं, 100 से लेके 150 words में आपको इन questions के उत्तर देने होंगे. पहला सवाल क्या है? How does Evelyn hear music? Evelyn किस तरीके से संगीत को hear करती थी, सुनती थी? देखिए, Evelyn heard music by sensing the notes in different parts of her body. Evelyn क्या करती थी बच्चों? वो सुनती थी संगीत को, पर अपने कानों से नहीं, वो सुनती थी संगीत को अपने शरीर के अलग अलग अंगों से. क्या होता था उनके साथ में? जब ड्रम बज रहे होते थे तो अगर हायर ड्रम है तो वो उनके कमर से ऊपर उसको महसूस करती थी, और अगर लो ड्रम बज रहा है तो कमर के नीचे. और क्या बजाती थी वो? कुछ संगीत वाद्य ऐसे भी बजाती थी जिससे क्या होता था, उनको संगीत महसूस होता था अपनी फिंगर टिप्स पे, उंगलियों के सिरों पर. तो बहुत सारे तरीके थे जिनके द्वारा एवलिन संगीत महसूस करती थी, वो सुनती नहीं थी. तो चलो जानते हैं हम इसको किस तरीके से लिखेंगे. एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. ये तो हम बात कर चुके हैं. अब क्या है? व्हेन रॉन फोर्ब्स टर्न टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. क्या हुआ था? रॉन फोर्ब्स ने दो ड्रम्स बजाए थे डिफरेंट नोट्स पे, अलग अलग धुनों पर, एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड. और उन्होंने बोला कि तुम ये जो आवाज़ है इसको महसूस करने की कोशिश करो विदाउट यूजिंग हर ईयर्स, बिना अपने कानों का इस्तेमाल किए. शी रियलाइज्ड, तब उनको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ दैट शी कुड फील द हायर ड्रम. क्या एहसास हुआ? कि जो हायर ड्रम था वो उसको फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर. एंड द लोअर ड्रम, और जो निचला ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन. मतलब क्या है कि जो निचला ड्रम था उसको वो अपनी वेस्ट के नीचे महसूस कर सकती थी. शी लर्नड हाउ टू ओपन हर माइंड. उन्होंने सीख लिया कि किस तरीके से अपना दिमाग खोलना है और अपने शरीर को इस्तेमाल करना है टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ताकि वो महसूस कर पाए जो आवाज़ें हैं और जो वाइब्रेशंस हैं उनको. इट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और ये क्या था? बिल्कुल दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन था, एकदम दृढ़ संकल्पी होकर और हार्ड वर्क, मेहनत के कारण उन्होंने इस तरह से वो हासिल कर पाई. क्या हासिल कर पाई बच्चों? संगीत को महसूस करने की क्षमता. व्हेन शी प्लेड ज़ाइलोफोन, जब वो ज़ाइलोफोन बजाती थी, शी कुड सेंस द साउंड, वो महसूस कर सकती थी आवाज़ को. पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, जो कि गुजरता है स्टिक से, ज़ाइलोफोन को बजाने की लकड़ियों से होते हुए उनकी उंगलियों के सिरों पर आ जाता था. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कुड फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. और जब वो झुकती थी ड्रम्स की तरफ तो वो महसूस कर सकती थी जो वाइब्रेशंस थे उनको उनके शरीर में आते हुए. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, She removed her shoes, वो अपने जूते हटा देती थी, so that the vibrations could pass through her bare feet, ताकि वो जो vibrations हैं उनके नंगे पैरों से होते हुए and upper legs, उनके पैरों तक ऊपर आ जाए. तो बच्चों अच्छा लग रहा है ना आपको ये कहानी? अभी कहानी का एक और भाग है, उस भाग में हम जानने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में. अब मिलेंगे अगले वीडियो में, करेंगे बात उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में. बने रहिएगा मेरे साथ.